हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, इस लेक्चर्स वीडियोस में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर वन का, जो कि आपके नवंबर टर्म वन एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। उस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, जो जो भी इस बार हमारे नवंबर के सिलेबस में आ रहे हैं टर्म वन में, जो पूछे जा रहे हैं 2021 में, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस आप आगे अगर कर रहे हो, कोई भी ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव अगर पेपर हो रहा है तो, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर का चैप्टर वन का नंबर सिस्टम का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। दूसरी चीज़, एक बार आपको थोड़ा सा समझा देते हैं पार्ट, कि अगर आपके पास आर एस अग्रवाल का बुक है तो उस बुक को निकाल लीजिए, उसमें आप देख लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपका ओल्ड सिलेबस है जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको नीचे, और ये आपका न्यू सिलेबस है। तो न्यू सिलेबस में जो है ना, और ओल्ड सिलेबस में यही फ़र्क है कि बस थोड़ा सा पोर्शन आपको नंबर सिस्टम में हटा दिया गया है नया सिलेबस में, बाकी सब वही है। और हटाया गया पोर्शन जो है वो ये है आपका, ये जो हम काटे हुए हैं देख रहे हैं आप, ये पहले भी एक्चुअली पढ़ना था हमें, लेकिन अब जो है इस चीज़ को काट के हटा दिया गया है। यहाँ से लेके आप देख सकते हैं ये यहाँ तक, ये पूरा पोर्शन को क्या कर दिया गया है, काट के हटा दिया गया है। तो इसमें है क्या, जैसे आप लोग देखते होंगे कि रूट अंडर 7.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना पड़ता था और उसका ज्योमेट्रिकली प्रूफ देना पड़ता था, इस पोर्शन को उन्होंने हटा दिया बेसिकली। और फिर क्या रहा है कि एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज़ बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। आप नंबर लाइन पर देखते थे कि एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट जो कराया जाता था, उसका प्रूफ कि कैसे एक यूनिक जगह होगा उसका, एवरी एंड ईच पॉइंट का, उस चीज़ को नहीं पढ़ना है, बाकी सब आपको पढ़ना है, यानी कि रेशनलाइजेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका ये हो गया एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट आपको पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो आप आर एस अग्रवाल बुक निकाल लीजिए, उसमें केवल ये वाला पोर्शन काट दीजिए और बाकी सब पढ़ लीजिए। तो जो क्वेश्चंस हम कराने जा रहे हैं अभी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको, उसमें वही क्वेश्चंस होंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उसे ज़रूर देखें और उसको कर लें, कम से कम एक बार दिमाग से अगर ऐसे क्वेश्चंस गुजर जाएंगे तो एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, ओके। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन के साथ। चलिए तो देखिए, ये आपका हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। चूज करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आपके सही आंसर हैं उसको आपको टिक करना है, ठीक है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। तो आपको रेशनल नंबर के बारे में मालूम होगा बहुत अच्छी तरह से, है ना, जिसमें रूट अंडर लग गया वो रेशनल नहीं होता है, बशर्ते कि वो बाहर ना आ पाए। जैसे रूट अंडर चार है तो बाहर आ जाएगा ना दो, तो ये रेशनल है। लेकिन रूट अंडर तीन हो जाए, बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये इरेशनल है। पाई के बारे में आपको बताया गया इरेशनल है। तो हमसे पूछा कि कौन सा ऑप्शन रेशनल है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ ए ऑप्शन भी इरेशनल है, बी ऑप्शन पाई भी इरेशनल है, और टू रूट अंडर थ्री, तो रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई भी इरेशनल ही होता है। तो बेसिकली डी जो ऑप्शन है जीरो, वो रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो बाई वन लिख सकते हैं और आपको बताया गया है कि जीरो एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए सबसे पहले, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है इसमें कि अ रेशनल नंबर बिटवीन -3 और 3, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपका। अब ऑप्शंस को आप देखिए, आपके ऑप्शंस क्या लिखे गए हैं, ठीक है। एक ऑप्शन आपका जीरो है, तो निश्चित रूप से रेशनल नंबर पूछा है, जीरो होगा, क्योंकि माइनस नंबर लाइन पे आपका यहाँ पे -3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, तो आप जानते हैं ना कि ठीक बीच में जीरो आएगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का बैरियर होता है हमारा। तो जीरो आंसर लिख के आगे बढ़ जाएंगे, -4/3 तो इधर होगा ना, -4 यहाँ होगा, फिर -4.3 और किधर, इधर कहीं होगा, है ना, -5 के बीच में यहाँ पे कहीं पे, फिर आपका -3.4 भी -3 से अधिक होता है, इधर ही होगा, फिर आपका 1.10110 ये तो हो सकता है जी, है ना। अ रेशनल नंबर बिटवीन -3 और 3 इज आपका, अ रेशनल नंबर बिटवीन -3 और 3
आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका 1.10 11001। अच्छा सॉरी, रेशनल नंबर पूछ रहा है ना इन्होंने, तो ये तो डी जो ऑप्शन है वो रेशनल नंबर नहीं है, वो इरेशनल नंबर है, आपको मालूम होना चाहिए। 1.101 फिर है ना 11, फिर 0011, तो ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। आपको बताया गया है कि अगर कोई फिक्स नंबर रिपीट नहीं करता है तो वो इरेशनल होता है, इसीलिए इन्होंने पूछा था क्या आपसे कि अ रेशनल नंबर बिटवीन -3 और 3, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका, और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 और 5/3, 2/3 है आपका और एक नंबर है 5/3, इनके बीच में दो रेशनल नंबर लिखने हैं और वो भी ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो आप देखिए जरा सा, पहला ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 6 है, ठीक है ना, तो आप क्या कर लो कि इसको 6 बना लो, तो इसके लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, ठीक है, इसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 4/6 और ये हो जाएगा 10/6। तो 4/6 और 10/6 के बीच में तो आपका ये नहीं आएगा पक्का 1/6 और 2/6, क्योंकि इसके बीच में आएगा आपका 5/6, 6/6, ये सब आएंगे, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो कट गया। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, तो उसका डिनोमिनेटर तो 1/2 है ना, और यहाँ पे हमारा जो नंबर लिखा गया है, चलिए तो अब जो है हम लोग ना सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन में आपका एक 2/1 है ना 2/1 बी नंबर ऑप्शन में, पहला 1/2 छोड़ के। तो ज़रा सोचो कि 2/1 का मतलब तो 2 होता है, अब अगर तुम 3 का पहाड़ा पढ़ते हो तो और 5 आ रहा है, तो ये निश्चित रूप से अगर ऊपर में 6 होता तब ये कट के आपका 2 आता, लेकिन अगर ये नंबर 6 से कम है, हमारी बात को समझना, अगर ये नंबर तुम्हारा क्या है 6 से कम है तो क्या होगा, 6 से कम है तो क्या होगा, ये नंबर 2 से कम हो गया। अब भैया इन्होंने बोला है कि इनके बीच में होना चाहिए वो नंबर, लेकिन 2 तो बाहर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द इनकरेक्ट। अब सी पे आते हैं, तो सी के लिए क्या करना है आपको, बहुत आसान है सी के लिए चेक करना, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है सी नंबर ऑप्शन में वो आपका है 6, तो आप सिंपल सी बात है ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, उससे क्या होगा कि डिनोमिनेटर 6 बन जाएगा आपका और सीधे पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 4/3 × 6, ये 10/3 × 6, तो 5/6 और 7/6 बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, क्योंकि आप साफ देख रहे हो कि ये 4/6 जो नंबर है और 10/6 जो नंबर है उसके बीच में 5/6 और 7/6 आ जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, देखिए ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट, तो ये अब बेसिकली आपको पढ़ना नहीं था, लेकिन फिर भी एवरी पॉइंट जो होता है वो नंबर लाइन का वो एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, तो क्या लिख दिए हम, एवरी पॉइंट और नंबर लाइन, एवरी पॉइंट और नंबर लाइन ऑप्शन नंबर ए रेशनल नंबर, तो ऐसा थोड़ी ज़रूरी होता है कि नंबर लाइन का एवरी पॉइंट जो है वो रेशनल नंबर होता है, √2 भी हो सकता है, 1.14 है ना, 114, 11114, बहुत सारे हो सकते हैं, तो रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर भी सारे पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं, ना इरेशनल नंबर हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अ यूनिक नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में आप जानते होंगे कि जिस पे रूट चढ़ गया वो तो रेशनल होगा नहीं, तो √2 रेशनल है नहीं, √√23 ये भी रेशनल नहीं है, हाँ √√225 है, आप कहोगे कि ये रेशनल नहीं है तो गलत है, क्योंकि एक्चुअली ये 15 × 15 लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, और 1/15 बाहर आ जाएगा, और जब पूरी तरह से बाहर आ गया तो वो रेशनल नंबर होगा। आप कहोगे कि सर इसमें भी तो रूट नहीं चढ़ा हुआ है, आपका ये जो ऑप्शन है जिसमें 0.101 फिर 001 ऐसे करके लिखा है, तो ये भैया ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि आपका मालूम होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है,
ना टर्मिनेट कर रहा है ना रेकरिंग हो रहा है। रेकरिंग का मतलब होता है कि दशमलव के बाद एक फिक्स नंबर के बाद वो पैटर्न रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए अब 7 6 7 6 7 6 रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, तो ये हम लोग मान लेते हैं कि वो रेशनल है। लेकिन अगर दशमलव के बाद डेसिमल के बाद कोई फिक्स नंबर रिपीट नहीं करता है तो वो इरेशनल होता है। तो डी भी आपका इरेशनल नंबर है। तो हमसे क्या पूछा था आपसे कि रेशनल नंबर कौन है, तो हम सी मारेंगे ऑप्शन में, क्योंकि 15 उसी में बाहर हो रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हाँ, एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, अ होल नंबर, एन इंटीजर, अ रियल नंबर। कह रहा है जितना भी रेशनल नंबर है वो एक नेचुरल नंबर होगा। क्या ये सही है? सोच के देखो, क्या एवरी रेशनल नंबर एक नेचुरल नंबर होगा? नहीं, क्योंकि 2/3 रेशनल नंबर नहीं है। होल नंबर होगा? नहीं। इंटीजर होगा? नहीं। हाँ, रियल नंबर होगा तो हाँ, क्योंकि रियल नंबर में आपका दोनों आता है, रेशनल नंबर भी जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल भी जिसमें हमको क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द करेक्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 पे। कह रहा है बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स देयर इज अ रेशनल नंबर, एग्जैक्टली अ रेशनल नंबर, आर इन्फाइनेटली मेनी रेशनल नंबर, नो इरेशनल नंबर। कह रहा है इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सी बात है, आप देखिएगा ध्यान से। कह रहा है बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, कोई भी दो रेशनल नंबर है, जैसे 1/3 ही हो गया, 1/4 ही हो गया, चाहे आपका कोई रेशनल नंबर 2 और 3 हो गया, इसके बीच में कह रहा है कि नो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं होगा, तो गलत बोल रहा है। क्योंकि 2 और 3 के बीच में अगर हम 2.5 लिख दें तो 2.5 एक्चुअली क्या होगा, 25/10 है ना, तो एक रेशनल नंबर है जो कि इसके बीच में आएगा। तो ये ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया कि कोई भी रेशनल नंबर नहीं आएगा, जबकि हमने बहुत सारा रेशनल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि एग्जैक्टली आपका बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 रेशनल नंबर ना इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई कर सकता है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, क्योंकि दो भी रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई करता है, याद रखिएगा, ओके ना। दो रेशनल नंबर के बीच में, देखिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन दैट अ रेशनल नंबर कैन नॉट हैव, रेशनल नंबर ऐसा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। तो आपको मालूम होगा कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का नहीं हो सकता है, जो नॉन न तो रिपीट करे और ना रेकरिंग हो। तो आप डी पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में तो वो टर्मिनेट कर गया ना, 0.25 कर दिया तो टर्मिनेट कर गया, अगला भी टर्मिनेट कर गया। और यहाँ जो सी ऑप्शन है वो आपका बार लगा हुआ है 2.5 2.8 के ऊपर, तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है लेकिन रेकरिंग है, तो ये भी होता है रेशनल नंबर में। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। कौन सा? 0.503, फिर 0003, फिर 0003 एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं ये इरेशनल नंबर है, एक फिक्स नंबर अगर दशमलव के बाद रिपीट नहीं करता है, अलग अलग रिपीटेशन होता है, तो वो इरेशनल कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन है आपका 11। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, कौन इरेशनल नंबर है। तो देखो, ए ऑप्शन में 3.14 दिया है तो वो तो टर्मिनेट ही कर गया, तो रेशनल नंबर ही होगा, है ना। बी ऑप्शन में क्या है, 3.1414 रिपीट कर रहा है तो 1.4 के ऊपर बार लगा देंगे, ये भी आपका रेशनल नंबर है। फिर देखिए सी नंबर ऑप्शन में भी आपका टर्मिनेट कर गया है ना, क्या लिखा हुआ है, 3.1444, इसका मतलब 3.1 लिख के 4 के ऊपर केवल बार लिख दो, तो ये भी आपका रेकरिंग है, भले टर्मिनेट नहीं किया लेकिन रिकरिंग है। लेकिन डी ऑप्शन जो है इसका, ध्यान से देखो डी ऑप्शंस को देखो, डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है इन्होंने, 3.14 फिर 1.14 फिर 1.114, तो ये इस तरह में जो कि एक फिक्स नंबर रिपीट नहीं करता है आगे, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, इसीलिए इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। कह रहा है कि अ रेशनल नंबर इक्विवेलेंट
टू 7/19, कह रहा है कि 7/19 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए। तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, हम सुधार लेते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है ना, इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। कह रहा है कि 7/19 के इक्विवेलेंट कौन है, 7/19 के इक्विवेलेंट कौन है, तो काटिए। ये देखो 7 से कटेगा ना, ये 2 से कटेगा ना, तो नहीं कट पाएगा ये। तो ऊपर तो 7 आया लेकिन 2 से नीचे नहीं कटा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर इसको आते हैं देखते हैं, है ना। ये आपका 3 से कटता हुआ नज़र आ रहा है, 7 5 12, 3 7 21, और 3 1 3, और 3 9 27, यानी कि 7/9 के इक्वल आ गया, 7/19 के। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज़ द करेक्ट, क्योंकि इक्विवेलेंट पूछा है। इक्विवेलेंट का मतलब काटने के बाद सेम आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।